नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल एबीटेक में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कई सारी बड़ी अपडेट्स के बारे में, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं BPSC TRE 2.0 को लेकर के। आप लोग जानते हैं BPSC शिक्षक भर्ती के लिए जो आवेदन प्रक्रिया, उसमें रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट करने की जो लास्ट डेट आज है 17 नवम्बर। आज रात्रि 12 बजे तक ही पोर्टल ओपन रहेगा रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट के लिए। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनका कुछ भी मिस्टेक है, कोई भी चीज़ मिस्टेक है, तो आप उसको हर हाल में, अगर आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है या नया आवेदन करना है, तो आप लोग आज 12 बजे तक कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, फीस पेमेंट नहीं होगा, और बिना रजिस्ट्रेशन बिना फीस पेमेंट के आपका जो फॉर्म है वो रद्द कर दिया जाएगा। और जो लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, फीस पेमेंट आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि फीस पेमेंट अगर हो जाएगा तो 25 तारीख तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। प्राइमरी भर्ती के छात्रों के लिए ये चीज़ें लागू नहीं होंगी। प्राइमरी के रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट और बाकी सबमिशन की डेट जो है वो 25 नवंबर रहेगी। एक बड़ी महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए ये है कि BPSC TRE 1 को लेकर के एक नोटिस जारी की गई है, जहां पर ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपना एस्टेट का गलत सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया था, या सीटेट का गलत सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया था, DLED या BED या ग्रेजुएशन के गलत सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए थे, और यहां तक कि ओरिजिनल अगर आप सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किए हैं तो भी BPSC की तरफ से नोटिस जारी कर दी गई, इन छात्रों को दबारी कर दिया गया है, साथ में 5 साल डिबार करने की भी बात चल रही है। मैं भी नोटिस आपको दिखा रहा हूं, तो मेरा आपको कहना ये है कि अगर आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं अपलोड किए हैं BPSC TRE 2 के फॉर्म में, तो आप इस पर देख लीजिए क्या BPSC आपके ऊपर कार्रवाई कर सकता है, आपको आगाह किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, ये ऑफिशियल नोटिस है जो BPSC की वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं जा करके। तो यहाँ पर देखिए 59 अभ्यर्थियों की ये लिस्ट है, और सभी का पूरा डेटा यहाँ पर दिया गया कि ऐसे क्या क्या रीजन है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने लिखा हुआ है, पहला रीजन जो है इसका ये लिखा है, एस्टेट पेपर 1 इज नॉट अवेलेबल। इनके पास एस्टेट पेपर 1 अवेलेबल नहीं था। अब ये दूसरे अभ्यर्थी हैं जहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है एस्टेट 2011 ओरिजिनल मार्कशीट नॉट फाउंड, यानी इन्होंने अपने फॉर्म में ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड नहीं किया था, इसी वजह से इनको जो है डिबार किया जा रहा है। फिलहाल वो काउंसलिंग से डिबार किया गया, लेकिन लोक सेवा आयोग जो है इनको 5 साल के डिबार करेगा, ऐसी नोटिस जारी की गई है। यहाँ पर देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन बताया इन्होंने कि कैंडिडेट ने जो है 9-10 में सोशल साइंस के लिए आवेदन किया था, लेकिन ग्रेजुएशन में उनके जो संबंधित सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है वो अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर ऐसे भी छात्रों को डिबार किया जा रहा है। देखिए कुछ छात्र ऐसे हैं जिन्होंने PG में यहाँ पर जो मार्कशीट है वो अपलोड नहीं करी है, या जो कुछ भी रीजन रहा हो, तो ऐसे छात्रों को भी डिबार किया जा रहा है। कुछ छात्रों के पास एस्टेट नहीं है, तो ऐसे भी छात्रों को यहाँ पर डिबार किया जा रहा है। कुछ छात्र ऐसे हैं जैसे देखिए यहाँ पर, दिस कैंडिडेट हैज नॉट DLED सर्टिफिकेट, इसके पास DLED सर्टिफिकेट नहीं है, और सीटेड सर्टिफिकेट पास इन 2023, यानी जैसे सपोज करो आप फॉर्म भर रहे हैं कोई, ठीक है, फॉर्म भरने में आपने जो पासिंग ईयर है वो गलत कर दिया, तो जो डेटा आपकी मार्कशीट में है वो आपने फॉर्म में नहीं डाला, बाई मिस्टेक वहाँ पर गलत टाइप हो गया, तो ऐसे छात्रों को BPSC जो है डिबार कर रहा है। तो कहने का मतलब BPSC बहुत सख्त है, जो फॉर्म में आपके डिटेल्स हो 100% सही हो, इस बात को आप सुनिश्चित कर लें। अब मैं यहाँ पर नोटिस भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए BPSC की नोटिस है, जिसमें बताया गया है कि 26/2023 विज्ञापन में 59 उम्मीदवारों को डिबार किए जाने के संबंध में। यहाँ पर देखिए बताया कि 59 अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन पत्र में अपने प्रमाण पत्रों के संबंध में गलत सूचना देते हुए परीक्षा में सम्मिलित हुए तथा अंतिम रूप से चयनित भी हुए। उक्त चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर अवेलेबल, जो भी मैंने आपको दिखाई, और यहाँ लिखा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यह पाया गया कि 59 अभ्यर्थी जो है समुचित प्रमाण पत्र धारण नहीं करते हैं,
यदि आप भर्ती विज्ञापन में दिए गए अन्य शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में नीचे देखिए यहाँ पर दिया गया है कि आप लोगों द्वारा जो भी तथ्य जो भी जानकारी दी गई उसमें गलत बयानबाजी है, फर्जी सूचनाएं दी गई हैं, आपके द्वारा पर्याप्त प्रमाण पत्र नहीं रहने के बाद भी जानबूझकर गलत सूचना देने, साक्ष्यों को छुपाने, गलत सूचना पर सरकारी सेवा में प्रवेश करने की चेष्टा की गई है, अतः सीधे तौर पर इसके लिए आप दोषी हैं। अतः यहाँ पर इनको अंतिम मौका दिया गया है कि 15 दिन के अंदर इस पर अपना स्पष्टीकरण दीजिए। ये ईमेल आईडी जारी की गई है कि क्यों ना आपके इस कृत्य के लिए अगले 5 साल तक परीक्षाओं से डिबार कर दिया जाए। यदि स्पष्टीकरण इन पर इनका अभ्यर्थियों को प्राप्त नहीं होता है तो फिर आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, आयोग निर्णय लेगा। तो ये देखिए बीपीएससी की तरफ से नोटिस जारी की गई है। तो ऐसे छात्र, मैं सभी से एक बार फिर कह रहा हूँ कि अगर आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हो गई है तो आप उसको रेक्टिफाई कर लीजिए जैसे भी आपसे हो, ठीक है, नहीं तो बाद में अगर आप चयनित होते हैं इस तरीके से बाद में आप पता चलता है कि आपने गलत चीज़ दिया है, गलत फॉर्म भरा है, तो फिर आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। अब बात कर लेते हैं UGC नेट एग्जामिनेशन को लेकर के। UGC नेट दिसंबर 2023 एग्जाम के लिए जो डेट है सब्जेक्ट वाइज वो जारी कर दी गई। यहाँ पर देखिए आपका एग्जाम 6 दिसंबर से होने वाला है, 6 तारीख को शिफ्ट 1 में, ये सफ़ेद कलर से जो दिया गया है इनका एग्जाम है, इसके बाद शिफ्ट 2 में एग्जाम है, इसके बाद यहाँ पर देखो पूरा शेड्यूल विषयवार दे दिया गया। तो 6 दिसंबर से परीक्षाएँ शुरू हैं और ये परीक्षाएँ आपकी चलेंगी 14 दिसंबर तक। कुल मिलाकर के लगभग 83 विषयों का यहाँ पर पूरा शेड्यूल दिया गया। तो आप लोग अपने विषय के अनुरूप देख लीजिए कि आपका एग्ज़ाम कब पड़ेगा, और एग्ज़ाम डेट के बोला गया 10 दिन पहले जो आपका एग्ज़ाम सिटी की डिटेल अवेलेबल हो जाएंगे वेबसाइट से। फिलहाल ये शेड्यूल जो है governmentjobcenter.com से डाउनलोड कर सकते हैं। बात कर लेते हैं तदर शिक्षकों को लेकर के। आप लोग जानते हैं सरकार द्वारा तदर शिक्षकों को बाहर कर दिया गया है। अब तदर शिक्षक पूरे प्रदेश में आंदोलन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, वहीं साथ साथ जो शिक्षक संगठन वो भी तदर शिक्षकों का साथ दे रहे हैं। तो इस पर शीतला प्रसाद ओझा का क्या कहना है आप सुनिए, और क्या है पूरा मामला आप लोग समझ। तमाम नौजवान पीढ़ी बेरोजगार भाइयों को शीतला प्रसाद ओझा का नमस्कार। आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि कल प्रेम प्रकाश सिंह और शंभुनाथ मिश्र, ये दोनों ही तदर शिक्षक हैं जौनपुर जिले में, और जौनपुर जिले में कल रात्रि 6 बजे शाम को जो है अभिषेक सिंह एक तैयारी करते हैं प्रतियोगी छात्र हैं उनके ऊपर हमला किया गया, और शंभुनाथ मिश्र और प्रेम प्रकाश सिंह ये दोनों जौनपुर में जो है बंद हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश के समस्त चयनित जो भी हमारे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से चयनित होकर के गए हैं, किसी भी शिक्षक के ऊपर यदि तदर्थ शिक्षक हमला करते हैं तो उनकी खैरियत नहीं है, इस बात को कान खोल करके सुन लीजिए, तेल डाल करके तदर्थ शिक्षक बैठे ना रहे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन है, सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन आप मानिए, और तमाम जो शिक्षक दल के नेता है, शिक्षक विधायक है, शिक्षक एमएलसी है, वो इस बात को दावा कर रहे हैं कि मानदेय इनको दिया जाए, इनको वेतन उपलब्ध कराने का कार्य किया जाए। तो मैं बता दूं जो भी हमारे भाई चयनित होकर के गए हैं, बिल्कुल इनको एक भी पैसा चंदा मत दीजिए। जितने भी उत्तर प्रदेश में शिक्षक संघ है ये केवल दलाली करने वाले लोग हैं, ये आपको गुमराह करके तदर्थों के जी हजूरी करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का बिल्कुल आप वहां से सीधे हट जाइए। और मैं कहना चाहता हूं इस बात को कि जो भी तदर्थ शिक्षक हैं, तदर्थ शिक्षक ने सीधे सीधे शिक्षा शत्रु हैं, तदर्थों को एक भी रुपया गवर्नमेंट जो है अब वेतन देने का कार्य नहीं करेगी, और इनका अध्याचन जब शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा तो उस पर तत्काल मंगाने का कार्य किया जाए, ताकि अधिकतम युवाओं को एक नौकरी का अवसर प्राप्त हो सके। जो भी हमारे भाई बहन बीएड करके आज एक टकटकी लगाए हैं, जैसा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को बाहर किया, तो ये किसी बड़े सदमे से कम नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब शिक्षा सेवा चयन आयोग, पहले तो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का हम लोग गठन कराएं, उसके बाद इसके लिए भी आंदोलन हम लोग करेंगे कि इनका अध्याचन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के पोर्टल पर भेजने का कार्य किया जाए, ताकि अधिकतर युवाओं को नौकरी का अवसर प्राप्त हो सके।
अभी तो ये विद्यालय में और सभी भाई बहनों से मैं अपील करना चाहता हूं कि इन तदर्थ शिक्षकों के खिलाफ अब हम मोर्चा खोलेंगे और ऐसे शिक्षक संघ के दल के नेताओं के खिलाफ हम लोग मोर्चा खोलेंगे कि तमाम जो शिक्षक दल के नेता जो है दावा कर रहे हैं तदर्थों की जी हजूरी कर रहे हैं कि अब इनके तरफ से जो है आंदोलन किया जाए। मैं आपको बता दूं कि ये तदर्थ शिक्षक नहीं है, शिक्षा शत्रु है। चाहे जितना आप आंदोलन आप कर लीजिए, अब आपको सरकार की तरफ से वेतन नहीं दिया जाएगा। कान खोल करके सुन लीजिए, आपको लड़ना है तो आप संवैधानिक तरीके से लड़िए, लोकतांत्रिक तरीके से लड़िए, कानून से लड़िए। किसी प्रतियोगी भाई के ऊपर हमला करने का क्या आपको अधिकार है? और नहीं तो जब हम हमला करेंगे तो आप सीधे विद्यालय भी छोड़ करके भाग जाओगे। इसलिए मेरी खुली चेतावनी है कि अब कि उत्तर प्रदेश में जो भी चयनित मैनेजमेंट से तदर्थ शिक्षक हैं, वो किसी भी प्रतियोगी भाई बहन के ऊपर हमला करने का आपका अधिकार नहीं है। सुधर जाओ, अभी टाइम है। और जो भी हमारे चयनित भाई गए हैं, अगर आप उनके ऊपर हमला बोलेंगे तो हम आपके ऊपर हल्ला बोलेंगे। इसलिए तदर्थ शिक्षकों सुन लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि हर जनपद में हर तदर्थ शिक्षक के पास यह वीडियो पहुंच जाए कि प्रयागराज में जो भी छात्र संगठन चल रहे हैं वो आपको खुली चेतावनी देना चाहते हैं कि आपको लड़ना है तो न्यायालय से लड़िए, संवैधानिक तरीके से लड़िए, लोकतांत्रिक तरीके से लड़िए। आपका हमला करने का अधिकार नहीं है, वरना बहुत बुरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।